बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन कॉलेज फिजिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम जे स्क्वायर। याद रखिए, बिफोर द डिस्कशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर आइगन वैल्यू, इससे पहले कि आप राइजिंग ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर को समझें, जिस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और उसकी जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। तो आइए डिस्कस करते हैं आइगन वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्टेप बाय स्टेप एग्जाम नोट्स। द डेरिवेशन ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम जे स्क्वायर एंड J. Let the eigenvalue equation of J square operator is this one. हमने assume किया हमारे पास जो है एक eigenvalue equation है J square का, जिसमें ये हमारे पास जो है eigen state है या eigen function है, और ये अल्प हमारे पास eigenvalue है, और ये हमारे पास जो है eigen state या eigen function है, या इसको हम ket vector भी बोलते हैं। तो हमने मालूम करना है कि जो अल्फा है, विच इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ जे ऑपरेटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसको हमने मालूम करना है। सो कंसीडर ए क्वांटम पार्टिकल इज प्रेजेंट इन मोस्ट एक्साइटेड स्टेट, सो इट्स आइगन स्टेट साई मैक्स व्हेन द राइजिंग ऑपरेटर जे प्लस ऑपरेट ऑन साई मैक्स, इट डजंट चेंज इट्स आइगन स्टेट। इसका क्या मतलब है, आइए इसको देखते हैं। कंसिडर, ये हमारे पास कोई भी एक जनरल एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, और हमें मालूम है कि हमारे पास एक एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल होते हैं। मिसाल के तौर पर इस शेल में यहाँ पर एक कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में है, मीन ग्राउंड स्टेट में है। तो उसका जो आइगन स्टेट होगा या वो फंक्शन होगा वो हमारे पास होगा ये वाला। लेकिन अगर हम इसी स्टेट पर इस लोअरिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करें, तो लोअरिंग ऑपरेटर का काम ये है कि किसी भी पार्टिकल को अपने लोअर स्टेट में ले जाना है। तो याद रखिए, इस स्टेट के बिलो हमारे पास कोई भी और स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है, अगर इसी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है साई मिनिमम, अगर इस पर हम लोअरिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करें तो वो ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि ये लोअरिंग ऑपरेटर इस साई मिनिमम को मजीद मिनिमाइज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस साई मिनिमा से बिलो आवर स्टेट पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर द लोअरिंग ऑपरेटर व्हेन ऑपरेट ऑन साई मिनिमा दिस इक्वल टू जीरो। सिमिलरली, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सपोज, और वो अपने आउटर मोस्ट शेल में हो, मीन मोस्ट एक्साइटेड स्टेट में हो, फाइनल शेल में हो, अगर इस पर हम ये वाला ऑपरेटर राइजिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करें, तो इस राइजिंग ऑपरेटर का काम ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को इस स्टेट से ऊपर स्टेट ले जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने मैक्सिमम स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर और मजीद एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर व्हेन दिस जे ऑपरेट ऑन दिस साई मैक्सिमा, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो कंसिडर पार्टिकल is present in most excited state, so its eigen state is psi max. When arising operator j plus operate on psi max, it doesn't change its eigen value, means the rising operator operate on psi max equal to zero. Similarly, let operate this lowering operator on equation number first, या अगर हम इसी equation जो है जो हमारे पास j minimum इस operator को हम इस पर operate करें, means J प्लस साई मैक्स इक्वल टू जीरो। सो अगर इस पर हम ये लोअरिंग ऑपरेटर ऑपरेट करें, सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन। सो अगर ये हमारे पास इक्वेशन वन है, अगर इस पर हम लोअरिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करें, सो दिस बिकम J माइनस J प्लस इंटू साई मैक्स। बट वी नो फ्रॉम द कमोटेटर ऑफ राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर बाय यूजिंग लेक्चर नंबर 22, वी गेट दैट J
जे माइनस जे प्लस इक्वल टू दिस वन। सो अगर इसकी जगह हम ई वाला वैल्यू पुट करें, सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। नाउ वी हैव थ्री ऑपरेटर इन दिस पेरेंथेसिस, जे स्क्वेयर, जे जी स्क्वेयर एंड जे जी। सो ऑपरेट दिस थ्री ऑपरेटर ऑन दिस साई मेक्स वन बाई वन, सो वी गेट दिस वन। बट वी नो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, व्हेन जे ऑपरेटर जे स्क्वेयर ऑपरेट ऑन साई, इट गेव अस दिस एक्सप्रेशन बाई यूजिंग इक्वेशन वन। सिमिलरली व्हेन दिस जे जी ऑपरेटर ऑपरेट ऑन साई मेक्स फ्रॉम दिस वन, we obtained this expression. Similarly, by operating this operator on psi max, we get this one. And now, अगर हम इन ऑपरेटर से या इन तीनों से psi max को कॉमन करें, so we obtain this expression. But we know for a quantum particle, psi max not equal to zero. हमारे पास जो है कोई भी पार्टिकल हो अपने मैक्सिमम स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, तो इसका मतलब यह है कि इसका जो आइगन फंक्शन है या आइगन किट है हमारे पास, वो जीरो के बराबर नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली द टर्म इन दिस पेरेंथेसिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू जीरो। सो दिस टर्म इक्वल टू जीरो। सो बाय सॉल्विंग दिस फॉर अल्फा, वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ जे स्क्वेयर। बट याद रखिए, अब ये बीटा मैक्स जो है ये हमारे पास क्लियर नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हम अब बीटा मैक्स की वैल्यू को मालूम करेंगे और उसको यहाँ पर पुट करेंगे, और इससे जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारे पास जे स्क्वेयर की आइगन वैल्यू होगी। तो आइए बीटा मैक्स की वैल्यू को मालूम करते हैं। एज वी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर राइजिंग ऑपरेटर, वी नो दैट जे जी लोअरिंग ऑपरेटर इनटू साई मेक्स इक्वल टू दिस वन। अगेन अगर इस एक्सप्रेशन पर हम लोअरिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करें, सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन, करेक्ट। बट दिस टर्म दिस वन इज इक्वल टू दिस टर्म इज इक्वल टू दिस वन बाय यूजिंग दिस कमोटेटर रिलेशन। सो इसकी जो वैल्यू हमारे पास वो ये है, और उसको हम यहां पर पुट करेंगे, सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन, दिस वन। नाउ अगेन ऑपरेट दिस टू ऑन दिस वन, सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन। दिस वन बाय रीअरेंजिंग दिस वी गेट दिस वन। सो इट मींस when j या लोअरिंग ऑपरेटर ऑपरेट ऑन साई मेक्स, इट डिक्रीज द आइगन वैल्यू ऑफ जे जी बाय 2h कट। सिमिलरली अगर हम इसी पर अगेन j माइनस को ऑपरेट करें, यहाँ पर भी j माइनस को पुट करें, यहाँ पर भी j माइनस को पुट करें, सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। इट मीन्स इफ वी ऑपरेट दिस लोअरिंग ऑपरेटर 3 टाइम ऑन साई मेक्स, इट डिक्रीज इट्स आइगन वैल्यू बाय 3 टाइम। सिमिलरली अगर हम इसी j माइनस को 4 टाइम ऑपरेट करें, सो इट डिक्रीज इट्स आइगन वैल्यू 4h कट। सिमिलरली अगर हम इसी ऑपरेटर को n टाइम ऑपरेट करें, यहाँ पर 4 की जगह हम n पुट करें, सो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा माइनस nh कट। सो इट मींस ए फ्लोरिंग ऑपरेटर ऑपरेट ऑन साई मैक्स, इट डिक्रीज द आइगन वैल्यू ऑफ जे जी nh कट टाइम। सो इट मींस द j z operator j minus या lowering operator operator n time on psi max equal to this one, where j minus या lowering operator operate on psi max is the eigen state of a particle in the lowering state which cannot be lower further, and we represent it by lowering operator operate n time on psi max equal to psi minima। इसका क्या मतलब है, आइए इसको देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, और अपने मोस्ट एक्साइटेड स्टेट में है, तो इसका वेव फंक्शन होगा हमारे पास सी वाला, करेक्ट। अब अगर इस पर हम लोअरिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करें जे माइनस, सो दिस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट। सिमिलरली अगर इसको हम दोबारा लोअरिंग ऑपरेटर को इस शेप पर ऑपरेट करें इस वाले पर, तो वी सो इलेक्ट्रॉन बिकम हियर,
सिमिलरली कम हियर 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 एंड फाइनली द इलेक्ट्रॉन गो टू द लोवेस्ट स्टेट. सो इट मीन्स इफ यू ऑपरेट द लोअरिंग ऑपरेटर ऑन दिस साई मैक्स फाइनली वी अपटेन द साई मिनिमा वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल. सो वेन लोअरिंग ऑपरेटर ऑपरेट ऑन साई मैक्स वी गेट फाइनली साई मिनिमा. दस एबव इक्वेशन बिकम, सो इक्वेशन जो है हमारे पास बिकम जे जी एंड दिस विल बी रिप्लेस बाय दिस वन. सिमिलरली दिस विल बी रिप्लेस बाय दिस वन. सो फाइनली वी गेट दिस एक्सप्रेशन दिस वन. सो दिस इज अवर इक्वेशन थ्री. सो दिस इक्वेशन थ्री बिकम दिस वन. Note, the J square when operate on eigenstate psi minima, its eigenvalue alpha equal to this one. ये तो हमें already मालूम है. अगर हमारे पास कोई भी operator हो J square, उसको हम psi minima पर operate करें, so we get eigenvalue alpha into psi minima. So it is, so at a particle in nth lowering state, then it cannot be lower more if lower operator operate. ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. हमारे पास जे माइनस साई मिनिमा इक्वल टू जीरो. अगर इस पर हम राइजिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करें वी गेट दिस वन. नाउ बाय यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वन फ्रॉम हियर बाय यूजिंग कमोटेटर सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन. बट वी नो दैट जे जी operate and psi minima equal to this one prime equation number 4 and prime equation number 5 equal to this one. So again putting the value of j square psi minima and jz psi minima and this expression. So this equation convert to this one. Now if we use a minus बी होल स्क्वेयर इक्वेशन और यहाँ से हम साई मिनिमा को यहाँ से भी कॉमन करें और यहाँ से भी कॉमन करें सो दिस एक्सप्रेशन कन्वर्ट टू दिस फॉर्म. सो आवर नेक्स्ट स्लाइड विल बी, सो अगर यहाँ से हम साई मिनिमा को कॉमन करें वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन. बट वी आल्सो नो दैट व्हेन ए पार्टिकल एग्जिस्ट इन साई इन स्टेट मिनिमा then its eigenstate not equal to 0, so it means this term must be equal to 0, the term in the square bracket equal to 0, so isko hum 0 ke barabar put karenge, so we obtain this one. Similarly, if we solve this for alpha, we obtain this one. This one. And if you use a minus b whole square equation, we obtain this expression. But if you put the value of alpha from equation number 2, which is equal to this one, so yaha par alpha ki value e wala put kare, so we obtain this expression. Now solve this whole expression step by step for what? For beta, so we obtain beta max equal to n h cut over 2, where n over 2 equal to j is the total angular momentum operator, yeah, total angular momentum, where n equal to 0, 1, 2, 3 and so on. And j equal to 0, 1 by 2, 1, 3 by 2 and 2. This is the value of j. The half integral multiple for odd particle means 1 over 2, 3 by 2, pi by 2 show that there are odd number of particle and the whole number 0, 1, 2, 3 show the number of particle are even. So by replacing this n over 2 by j, so we obtain this one. So this is the beta max equal to j h cut. And the eigenvalue of j from equation number 2 equal to this one. So yaha par beta max ki value ko put kare, so we obtain this one. So this is known as the eigenvalue of j square. This is the value of eigenvalue momentum j square, this one. This is the value of j square. This is the eigenvalue of j square operator, where j is total angular momentum of particle, which is the sum of orbital and spin angular momentum. Its value are this per odd particle and j equal to this per even number of particle.
एंड इट्स करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक नंबर विल एम जे इक्व टू 2j+1 वेयर एम जे इक्व टू -j -j -1 -j -2 इंटू j -1 j -2 इंटू j. द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम जे आर 2j+1 एंड इट्स नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम -j to +j. Let consider take an example for an atom total angular momentum J equal to L plus S equal to 3, then the magnetic orbital quantum number value will be MJ 2J plus 1 will be 7, so the value of MJ equal to 7 per J equal to 3, and the value of MJ will be start from -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, these become 7 values. So conclude our discussion. सो द आइगन वैल्यू इक्वेशन पर जे स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, अगर यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू को पुट करें वी ऑब्टेन दिस वन एंड दिस जे इंटू जे प्लस वन एच कट स्क्वायर इज नोन एज द आइगन वैल्यू ऑफ जे स्क्वायर ऑपरेटर. अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लें सो वी ऑब्टेन द आइगन वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल टू स्क्वायर रूट जे इंटू जे प्लस वन एच कट एंड द आइगन वैल्यू ऑफ जे जी equal to mj h cut. So these are the eigenvalues of j square, this is the eigenvalue of j, and this is the eigenvalue of jz operator. Thank you.